तो नमस्कार और सबका स्वागत है चैनल में वापस है। तो मेरा नाम है अनुराग और मैं हूँ आईआईटी पालक्कड़ से। तो बेसिकली आज का प्लान ये है कि हम लोग आज एक आईआईटी के प्रोफेसर के घर में पार्टी करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैलमपुरा मार्केट सामान लेने, तो वही हम लोग खाना बनाएंगे खुद के हाथों सर, वहाँ पे खाएंगे पार्टी करेंगे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। फाइनली शॉपिंग गॉट फिनिश्ड, तीनों तक का ले लिया है, इससे बैकअप तो गई है। तो सारा रॉ मटेरियल लेके हम लोग अभी मैडम के घर की तरफ निकल चुके हैं। तो इस अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है खाना बनाते हुए और खा के। तो इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। सिल्वी और मेनू आज ये बनने वाला है, मटर पनीर पुलाव आलू गोभी गुलाब जामुन टैको समथिंग मैक्सिकन डिश, मैंने भी पहली बार सुना है आप लोग की तरह, और इस रायता। सो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो मैम, रोहित ने मिलके वेजिटेबल्स पूरा का पूरा काट दिया, थोड़ा सा बचा है तो थोड़ा सा बचा है, बस ये बटाना छिलना है। ये प्याज आलू आलू गोभी के लिए और टमाटो इज ऑल डन। तो अभी जाते हैं और मटर पनीर और आलू गोभी बनाते हैं, और हमारी दीदी अभी गुलाब जामुन काम चल। तो भैया जब ये गुलाब जामुन बन रहा था तो हमारे मुँह में इतना पानी आ रहा था कि हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि कब ये बन के रेडी हो और कब हम खाएं। नहीं नहीं, पहले पानी निकाल देना। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारी दीदी ने हमें इसे टच भी करने दिया नहीं था उस टाइम। कैबेज कम लग रहा है मुझे, वो पत्थर ज्यादा लग रहा है। ना एक्चुअली ऐसा नहीं, थोड़ा चाकू धार कम है। बच मटर डन, टमाटर डन, अनियन डन एंड दिस वन आलू इज आल्सो डन। हम लोग घर पे ही है और मजे कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं अपनी मॉम के साथ। इट फील्स फैंटास्टिक, इट इज सो फैंटास्टिक एक्सपीरियंस गाइस। अंकित जी लेट आए थे, एक काम करो कासा साबुन उठाओ, जितने बर्तन है सब धो के खत्म करो। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। हम करेंगे, यही करेगा। गुलाब जामुन सेट बट नॉट इन द गुड। अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको थोड़ा अब्सॉर्ब होने के। हु इज द मेन कुक? एवरीबॉडी इज द कुक। हम लोग भाई ये डिशवॉशर तो थोड़ा आए, अब इनके पास काम नहीं बचा इसलिए डिशवॉश कर रहे हैं। और हम आप बना रहे अभी मटर पनीर, अनियन भून करके हो गया, टोमेटो होगा, और अभी यहाँ पे चला हमारा टैको समथिंग मैक्सिकन डिश। नहीं, वो आलू गोभी है और मैं बना रही हूँ आलू गोभी, उसके लिए टमाटर काट रही हूँ। कितने आलू, कितने लोग को मार देना चाहती है? बस एक, जिसका नाम है अब्दुल, और जो हमारे कैमरामैन है अभी, जो अभी अभी आए हुए हैं, अभी अभी न्यू एंट्री, जिनसे हम बर्तन साफ करवाएंगे। कुछ तो काम करने आए और अब्दुल भैया अभी भी आए, इनको भी काम दे दिया, चलो टमाटर काट दिए। भैया आर यू हैप्पी? टमाटर फुल्ली। कुछ बिजनेस का आइडिया? नहीं, मतलब बिजनेस का आइडिया पूरा रेस्टोरेंट का ही है। अपन समझ गए कि हम सब थोड़े थोड़े शेफ हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके हम कब आईआईटी से डिग्री के बाद जॉब भी नहीं मिलेंगे ना, तो शेफ एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे पालक्कड़ में, राइस बॉल के सामने। हम रखेंगे उसका नाम चपाती बॉल। तो हमारी हरकतें देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि हमें कितनी भूख लगी रहेगी। वादा पूरा कीता ना ही चन ही ले आया, मेरा भी कर दे छड़दा पर तेरी आदत पै गई। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन हम माँ कसम खा के कहते हैं कि मटर पनीर जो दिखा वो हमने ही बनाया था, और ये जो बाकी सब डिशेस है दीदी और हमारी मैडम ने मिलके बनाया है, जो कि बहुत ही बढ़िया था। टैको ना, दिस इज टैको राइट? टैको आई मीन इंडियन वर्जन ऑफ, इंडियन वर्जन ऑफ टैको, मैक्सिकन डिश। इट्स सो गुड। इट्स
इसमें गोभी भी ऐड करना है। इसका अपना फ्लेवर है। कौन सा? आलू गोभी। इसमें का मेरा मन किया मिटा दिया। दही भी पड़ा। मेहनत इतना मेहनत करने के बाद मॉर्निंग से लेकिन फल बहुत मीठा है। टेस्टी है। कोई बोलने वाला नहीं। मीठा बाद में मिलेगा। तो चलिए चलिए भैया हम अपना खाना खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी डाउन टू अर्थ।